हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वायर्स यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 सारा प्यार। सॉरी बच्चों कि बहुत दिनों से, लगभग 15 दिन हो गए हैं कि वीडियो अपलोड नहीं हुए हैं। तो आई समझ सकता हूँ कि आप लोग गुस्सा हो रही हो मेरे ऊपर, पर सॉरी, मेरा भी थोड़ा लाइफ है। मैं भी अपने लाइफ का भी इंजॉय करा था, बहुत इंजॉय किया मैंने अपने लाइफ को। ये जो 10-15 दिन जो भी मुझे मिले, मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत एक्सप्लोर किया खुद को, नई नई चीज़ों को देखा, नई नई चीज़ों पे पार्टिसिपेट किया, सीखा। क्योंकि ये दुनिया इतनी ब्यूटीफुल है ना, क्या बोलूँ। हर एक चीज़ पे पार्टिसिपेट करिए, हर एक चीज़ को सीखिए, पॉजिटिव नेगेटिव सारे थिंग को एक्सपेक्ट करिए, सबको एक्सप्लोर करिए, तभी जीवन का असली महत्व मिल सकता है। तो मैंने जहाँ तक मेरा हो सका, जितना एक्सप्लोर कर पाया उतना किया, फिर नेक्स्ट आगे वापस अपने वर्क पे। तो माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों से लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। और बहुत बड़ी खुशखबरी यह है, जो जो फोटोशॉप पढ़ रहे हैं, आज लास्ट क्लास है फोटोशॉप का। आज लास्ट क्लास है, आज के बाद फोटोशॉप कंप्लीट हो जाएगा। और पूरे होल फोटोशॉप में आपको कहीं भी अगर दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी टॉपिक छूट गया है मेरे थिंकिंग से, और आपको लगता है नहीं सर ये टॉपिक छूट चुका है, आपको ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ किसी भी तरह से आपको मैसेज करिए, जीमेल करिए, मैं रिसर्च करूँगा, फिर कंटेंट बनाऊँगा, फिर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। पर मेरे जितना कंटेंट था, मैंने जितना पढ़ाया, कहीं पर मैंने कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ा है। मेरे अकॉर्डिंग शायद एक दो टूल नहीं पढ़ाया हूँ जिसका शायद मेजर यूज़ नहीं है या फिर उतना पॉपुलर यूज़ नहीं होगा, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। बट अगर आपको लगता है कि वो पढ़ना चाहिए, देन यू कैन कमेंट मी, ओके। आज 3 टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग, लास्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग एनिमेशन बनाना सीखेंगे। फर्स्ट 2 टॉपिक हमारा फिल्टर के अकॉर्डिंग है, लास्ट हमारा एनिमेशन के अकॉर्डिंग है। तो आज फोटोशॉप की जर्नी को समाप्त करेंगे। तो चलिए, हमारा PPT ओपन हो चुका है और हम लोग आज पढ़ रहे हैं एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 14। मतलब मैंने 14 लेक्चर में पूरा फोटोशॉप समेट दिया विद प्रैक्टिकल, ठीक है। हर एक लेक्चर में मैंने 4-4 टॉपिक कराए हैं, उनका प्रैक्टिकल बताया है। आज भी मैंने 3 टॉपिक, लास्ट है, 3 टॉपिक कराऊंगा, उसका प्रैक्टिकल बता के चैप्टर को ख़त्म, ओके। लेट्स, आज के चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोग लेंस फ्लेयर पढ़ेंगे, लाइटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, फोटो एनिमेशन पढ़ेंगे। लेंस फ्लेयर पढ़ेंगे, लाइटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे और फोटो एनिमेशन पढ़ेंगे, ओके। लेट्स स्टार्ट, एनर्जी बनाए रखेंगे और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट 3rd टॉपिक क्या है हमारा? लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर क्या है सर? लेंस मतलब आप लोग समझेंगे, आप लोग जितने भी अगर पिक्स आर्ट यूज़ करते हो तो उसमें आपको लेंस का ऑप्शन मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे लेंस उसमें दिखाए गए हैं, वो उसी का एक पार्ट है लेंस फ्लेयर। अगर आपको फोटो में लेंस इफेक्ट देना है, वंस मोर, अगर आपको फोटो में लेंस इफेक्ट देना है तो किसका यूज करेंगे? लेंस फ्लेयर का। आइए इसका स्टेप देखते हैं। ओपन एनी वन इमेज, जिस इमेज में आपको लेंस फ्लेयर देना है उस इमेज को आप ओपन करेंगे, देन गो टू फिल्टर मेनू। लेंस फ्लेयर कहाँ पाया जाता है? फिल्टर मेनू में। फिल्टर मेनू में जाने के बाद चूज ऑन रेंडर कमांड, रेंडर कमांड में चूज करेंगे। रेंडर कमांड में चूज करते ही हमें 3-4 ऑप्शन दिखाए जाएंगे, उसमें से हमको लेंस फ्लेयर ऑप्शन को चूज करना है। लेंस फ्लेयर ऑप्शन को चूज करेंगे तो एज रिजल्ट लेंस फ्लेयर डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन। जो लेंस फ्लेयर का डायलॉग बॉक्स होगा वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नाउ यू सेट द लेंस इफेक्ट वेयर यू वांट टू इंसर्ट। आपको जहां लेंस का इफेक्ट इंसर्ट करना है, आप उसको उस डायलॉग बॉक्स में आप सेलेक्ट करेंगे। सारे इफेक्ट को चेक करके आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देन प्रेस ओके। आप जैसे ओके प्रेस करेंगे, एज रिजल्ट लेंस इफेक्ट विल बी इंसर्ट इन योर करेंट इमेज। जो भी आपका करेंट इमेज होगा, आप में उसका लेंस इफेक्ट इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ना समझ में आ रही हो तो प्रैक्टिकल में मिलेंगे। प्रैक्टिकल में 100% दिमाग खोल के रख दूंगा आपका, नॉट माइन, ओके। लेट्स गो। लेंस फ्लेयर का डेफिनेशन समझे, स्टेप समझे। लेंस फ्लेयर कहाँ पाया जाता है? फिल्टर मेनू के रेंडर कमांड में, ओके। तो लेंस फ्लेयर हम लोग समझ गए, लेंस फ्लेयर फोटो में लेंस इफेक्ट देने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट हमारा है लाइटिंग इफेक्ट। अगर आपको फोटो में लाइटिंग इफेक्ट देनी है, अगर आपको अपने फोटो में लाइटिंग इफेक्ट देनी है तो इस लाइटिंग इफेक्ट कमांड का यूज करते हैं। इस कमांड को भी कहां पाया जाता है? फिल्टर मेनू में पाया जाता है। फिल्टर मेनू को रेंडर कमांड में पाया जाता है, ठीक है।
दिस कमांड इज यूज टू अप्लाई द लाइटिंग इफेक्ट इन योर करेंट इमेज. जो भी आपका करेंट इमेज होगा उसमें आप लाइटिंग इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइटिंग इफेक्ट का यूज किया जाता है. आप इसके स्टेप को पढ़ेंगे. फर्स्ट ओपन एनी वन इमेज या फिर फर्स्ट प्रिपेयर योर इमेज. जो भी आपको इमेज को बनाना है लाइटिंग इफेक्ट देनी है उसको आप प्रिपेयर करेंगे. देन गो टू फिल्टर मेनू. कहाँ जाएंगे? फिल्टर मेनू. फिल्टर मेनू में जाने के बाद रेंडर कमांड को चूज करेंगे. रेंडर कमांड को चूज करने के बाद देन चूज ऑन लाइटिंग इफेक्ट कमांड. लाइटिंग इफेक्ट कमांड को चूज करने के बाद एज रिजल्ट लाइटिंग इफेक्ट कमांड डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्ले. आपको लाइटिंग इफेक्ट का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा. डिस्प्ले होने के बाद नाउ यू एडजस्ट द लाइटिंग इफेक्ट. आप लाइटिंग इफेक्ट को एडजस्ट करेंगे. एडजस्ट करने के बाद देन प्रेस ओके. ओके प्रेस करेंगे तो एज रिजल्ट अप्लाइड लाइटिंग इफेक्ट विल बी डिस्प्ले इन योर इमेज. जो भी आपका इमेज होगा उसमें आपका लाइटिंग इफेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा. जिस टाइप का आप एडजस्टमेंट करना चाहते हो लाइटिंग इफेक्ट में आप बस उसमें पुट कर दीजिए. खत्म. कंप्लीट हो जाएगा आपका लाइटिंग इफेक्ट. लेंस फ्लेयर समझ गए, लाइटिंग इफेक्ट समझ गए. अब आए फोटो एनिमेशन में. पहले थ्योरी निपटा देते हैं फिर प्रैक्टिकल में मूव करेंगे. प्रैक्टिकल में विस्तार से. अगर जिनको भी लग रहा है कि आप थ्योरी प्रैक्टिकल ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहे हैं सर, तो वो हमसे प्रैक्टिकल में मिले. विस्तार से प्रैक्टिकल कंप्लीट कराऊंगा. थ्योरी तो जस्ट एन इन्फॉर्मेशन है जो आपको माइंड में रखना है. मज़ा तो प्रैक्टिकल में आता है. फोटोशॉप है ना भाई. फोटोशॉप में मज़ा तो प्रैक्टिकल में ही ना आएगा. थ्योरी में तो क्या मज़ा है. चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट है फोटो एनिमेशन. फोटो एनिमेशन आप लोग जितना भी देखें, अगर आप अच्छे अच्छे फोटो देखो तो आंख मारे फोटो बहुत सारे फोटो है. मैं सिंपली आज क्या पढ़ाऊंगा, आंख मारे मतलब एक किसी भी एक एक्ट्रेस को लूंगा, उसके फोटो को मैं एनिमेशन में कन्वर्ट करूंगा, उसका आंख ब्लिंक करेगा. मुझे आंख मारना नहीं आता बट ठीक है, आई विल ट्राई. आंख ब्लिंक करेगा मतलब उस टाइप से आप समझ सकते हो. बताने की जरूरत नहीं है ये सब चीज़. ओके. दिस कमांड इज यूज टू अप्लाई फोटो एनिमेशन इन योर करेंट इमेज. अगर आपको करेंट इमेज में फोटो एनिमेशन को अप्लाई करना है तो फोटो एनिमेशन कमांड का यूज करते हैं. स्टेप क्या है बच्चों? फर्स्ट ओपन टू एंड मोर देन टू फोटो. दो से ज्यादा फोटो आप ओपन कर सकते हैं या दो फोटो, क्योंकि दोनों को मर्ज करके ना सब. पहला बात आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ एनिमेशन क्या होता है. एनिमेशन कुछ नहीं होता है, बस दो फोटो का आगे पीछे होता है. मतलब पहले ये आया फिर दूसरा ये आया फिर ये आया फिर दूसरा ये आया, ये आते जाएगा. ठीक है, मतलब मेरा हाथ ऐसे है. ठीक है, पहला फोटो मैंने ऐसे खिंचाया, दूसरा फोटो मैंने ऐसे खिंचाया. अब इन दोनों फोटो को मैं ले लूंगा, ये पहला फोटो ये दूसरा फोटो. अब इन दोनों फोटो को मैं एक एक सेकंड में क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ. पहला दूसरा फिर पहला फिर दूसरा फिर पहला फिर दूसरा. तो मेरा फोटो कैसे आएगा? फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड. तो आपको क्या लगेगा? मेरा हैंड रोटेट कर रहा है, जबकि मेरा हैंड रोटेट नहीं कर रहा है, पिक्चर वन बाय वन आगे पीछे हो रहा है. आप लोग अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरा कैमरा क्या कर रहा है? थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर बाय अ सेकंड क्लिक कर रहा है. उसी पिक्चर को रिपीटेड मोड में रिलीज कर रहा है ताकि आपको लग रहा है कि ये वीडियो फॉर्मेट में चल रहा है. ठीक है, वीडियो कैसे रिकॉर्ड होता है? थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर सेकंड में क्लिक किया जाता है और साउंड को मैच करके वीडियो बनाया जाता है. वीडियो जस्ट अ फॉर्मेट है. वीडियो जस्ट अ फॉर्मेट है किसका? पिक्चर्स का. वीडियो जस्ट अ फॉर्मेट है पिक्चर्स का, जिसकी मदद से हम लोग वीडियो समझते हैं. आप लोगों ने इस टाइप का देखा है जो पिक्चर इमेज बुक का बनाते हैं कि यहाँ पे कुछ पिक्चर बनाया हुआ, उसके बाद बुक को ऐसे ऐसे करते हैं तो बहुत एनिमेशन पिक्चर बन के तैयार हो जाता है. इसी टाइप से कुछ है ये फोटो एनिमेशन. मतलब आपका पिक्चर को बस रोटेट करेगा तो आपको लगेगा आपका पिक्चर एनिमेट हो रहा है, मतलब ब्लिंक कर रहा है, मतलब मूवमेंट हो रही है. समझे? तो पहला स्टेप क्या है? दो फोटो को लेंगे. अगर एक ही फोटो में आपको ब्लिंक करना है तो एक फोटो लेकर उसका डुप्लीकेट मेन्यू बनाएंगे, मतलब डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे. ओके. देन एडजस्ट ऑल फोटो इन वन पेज. एक पेज में उसको सारे फोटो को एडजस्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कॉपी या पेस्ट मेन्यू. ओके. देन गो टू इमेज रेडी एप्लीकेशन बाय द हेल्प ऑफ टूल बॉक्स. फोटोशॉप के टूल बॉक्स में आपको इमेज रेडी का ऑप्शन दिखेगा सबसे लास्ट में. ओके. वहां पे क्लिक करके हम लोग कहां जाएंगे? इमेज रेडी में. एज रिजल्ट इमेज रेडी एप्लीकेशन विल बी ओपन. इमेज रेडी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा. नाउ प्रेस F7 टू ओपन लेयर बॉक्स. इमेज रेडी में जाने के बाद F7 प्रेस करेंगे लेयर बॉक्स को ओपन करने के बाद. देन F11 टू एनिमेशन बॉक्स. एनिमेशन बॉक्स को ओपन करने के लिए F11 करके ओपन कर सकते हैं. अदरवाइज इमेज रेडी के विंडोज मेनू में जाके आप वो सारे मेनूज को ओपन कर सकते हैं.
देन प्रेस रन, रन प्रेस कहते हैं आपका पिक्चर मूवमेंट मतलब एनिमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था थ्योरी पार्ट। अब अभी जो मैंने थ्योरी में जितने भी तीन टॉपिक को बताया, अभी उसका प्रैक्टिकल कराऊंगा। क्या आप रेडी हैं प्रैक्टिकल करने के लिए? आर यू रेडी गाइस? तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। फोटोशॉप ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैंने एक पिक्चर लूंगा जिसमें हमें लेंस फ्लेयर को अप्लाई कर सकूँ। ये देखिए, ये मैंने एक पिक्चर ले लिया, इसको मैं थोड़ा ब्राइट कर दूंगा। ये पिक्चर शायद 1-2 साल पहले की, जब मैं गोलू मोलू दिखता था। हाँ, ये पिक्चर लॉकडाउन के टाइम की है, लॉकडाउन के बाद की है, जब मैं लॉकडाउन की वजह से गोलू मोलू हो गया था, तो इस टाइप से दिखता था। कोई नहीं, अब मैं इस पिक्चर को क्यों लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर लेंस इफेक्ट मैं देने वाला, और लेंस इफेक्ट मैं कहाँ दूंगा? शायद मैं आपको लेंस इफेक्ट इस एरिया में दूंगा। ठीक है, कहाँ पे दूंगा लेंस इफेक्ट? इस एरिया में। तो आपको लगेगा कि बाइक का लाइट ऑन है। ठीक है, यूजेस सीखे लेंस इफेक्ट का, हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते। फोटो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जहां जहां आपको लगता है कि लेंस इफेक्ट देना चाहिए, वहां वहां मैं लेंस इफेक्ट दूंगा, जैसे इस हेडलाइट पे, इस टर्न लाइट पे। ओके, तो सबसे पहले कहां जाएंगे? फिल्टर मेन्यू में। हम लोग पिक्चर ओपन कर लिए, फिर फिल्टर मेन्यू में जाके फिल्टर मेन्यू के रेंडर कमांड ओके करेंगे, फिर लेंस फ्लेयर, यहाँ पे लेंस फ्लेयर का डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो गया। अब इसको यहाँ पे सेट करेंगे। ये देखिए, इसको यहाँ पे, ये कर्सर को यहाँ पे सेट करेंगे, जहाँ भी आपको लेंस का रखना है पार्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सेट कर लेंगे, क्योंकि ये छोटा दिखता है, थोड़ा सेट करने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, आराम से सेट करेंगे। यहाँ से आप इसका डायमीटर बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, हम इतना ही रखेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए, लग रहा है कि मेरा बाइक का लाइट ऑन है, लग रहा है ना कि मेरा बाइक का लाइट ऑन है। अब मैं इसको टर्न लाइट भी ऑन करूंगा। सिंपल फिल्टर मेन्यू में गया, रेंडर कमांड, उसके बाद लेंस फ्लेयर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रखूंगा कि मेरा बाइक का टर्न, जो टर्निंग सिंबल होता है बाइक का, उसे मैं ऑन करूंगा। इसका लाइट थोड़ा कम रखूंगा ताकि पब्लिक को लगे कि हाँ लाइट ऑन है। अब ये दिखाऊंगा, ये देखिए मेरा लाइट ऑन हो गया। थोड़ा सा मिसमैच हो गया, उसको मुझे और नीचे रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रीव्यू बॉक्स में थोड़ा छोटा दिख रहा था, तो थोड़ा मिसमैच हो चुका है, लेकिन सही है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया, एक बार लास्ट में समझाता हूँ। फिल्टर मेन्यू में गए, रेंडर कमांड में गए, लेंस फ्लेयर को सेलेक्ट किए। अब मैं इस क्रॉस पॉइंट को मैं अपने, जहाँ भी आपको लेंस अप्लाई करना है आप वहाँ रख दीजिए। ये मुझे मैं यहाँ लेंस अप्लाई करना है, और लेंस का डायमीटर आप बढ़ा भी सकते हैं, लेंस का डायमीटर आप कम भी कर सकते हैं। मैं हल्का सा ऊपर कर दूंगा, ताकि, क्योंकि छोटा बॉक्स है तो थोड़ा मेजरमेंट करना मुश्किल हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ से आप देखिए 150 mm, 50-300 mm, ये जूमिंग पिक्सल है। ओके, यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए, आपको यहाँ लग रहा है, ये मेरा बाइक का लाइट ओपन है, ये लाइट ओपन है, ये लाइट ओपन है। समझे? समझ में आया लेंस फ्लेयर का एप्लीकेशन कैसे यूज होता है? अब हम लोग आएंगे लाइटिंग इफेक्ट पे। लाइटिंग इफेक्ट के लिए सिंपली हम लोग क्या लेंगे, एक न्यू पेज लेंगे, A4 साइज का एक न्यू पेज लेंगे, जिसका कलर हम लोग क्या रखेंगे, जिसका कलर हम लोग ब्लू रखते हैं। ओके, यहाँ से कलर को फिल कर देंगे। ये कलर फिल कर दिया। अब लाइटिंग इफेक्ट के लिए हम लोग सिंपली फिल्टर मेन्यू जाएंगे, क्योंकि लाइटिंग इफेक्ट भी वहीं पे मिलेगा, जहाँ कहाँ पे, रेंडर कमांड पे। और ये देखिए, लेंस फ्लेयर के नीचे लाइटिंग इफेक्ट है। अब हमें किस टाइप का लाइटिंग इफेक्ट देना है, यह हमको अपना लाइटिंग इफेक्ट के डायलॉग बॉक्स में दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल है। ये पहला देखिए 2 o'clock है, सारे स्टाइल को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ब्लू ओमनी है, फिर ये देखिए। अगर अप्लाई करना है तो सिंपली ओके कर दीजिए, ये अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो गया, ये लाइटिंग इफेक्ट है। अब इस लाइटिंग इफेक्ट में मैं क्या करता हूँ, सपोज इसे कट करके लगा दूंगा। कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये देख, ये मैं पकड़ा मूव टूल, ये देखिए मेरा पिक्चर आ गया। इस टाइप से मतलब आप बेहतरीन बना सकते हैं। मैं बस जस्ट एग्जांपल के कहीं से भी कट करके उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया। कंट्रोल अल्ट जे करूँगा। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं जचता है तो फिर से आप फिल्टर मेन्यू में गए, रेंडर कमांड में गए, लाइटिंग इफेक्ट में गए, और भी बहुत सारा लाइट है यहाँ पे, आपको क्रॉसिंग दिख जाएगा, ओके अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे आप किसी भी पिक्चर को यहाँ खड़ा कर दीजिए, उसको लगेगा ये फर्स्ट लेयर है पिक्चर को। आप सेकंड लेयर में रखेंगे तो आपको बैकग्राउंड, इफेक्टिव बैकग्राउंड लगेगा। सिंपली इसका यूज़ जानते क्या होता है, हम लोग फोटो वगैरह एडिट करवाते हैं ना, जब भी
ब्लू फ्रेम में हम लोग फोटो खिंचाते हैं, मतलब जो पीछे ब्लू पर्दा लगा हुआ रहता है और बैकग्राउंड हम लोग बोलते हैं मस्त तगड़ा वाला दीजिएगा, तो फोटोशॉपर क्या करता है इस टाइप का कोई बढ़िया एडिट मार देता है कि आपके पैरों से या सर से लाइटिंग इफेक्ट आ रही है, इस टाइप का लाइटिंग इफेक्ट के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो सिंपली क्या करता है, एक पहले बैकग्राउंड बनाता है लाइटिंग इफेक्ट का, देन आपका फोटो को बढ़िया से पेस्ट कर देता है उसमें, तो लगता है कि हाँ क्या लाइट आ रहा है। ठीक है, सिंपली ये यूज़ होता है। अब ये सब तो हो गया सर, मेन जो टॉपिक है आँख मारे मतलब फोटो एनिमेशन। ठीक है, एक स्पेसिफिक नेम है उसका, फोटो एनिमेशन का आँख मारे। इसलिए मैंने एक बहुत बढ़िया एक्ट्रेस का पिक्चर लिया है जिनका मूवी अभी बहुत चल रहा है, जिनका नाम है नयनतारा। आप सभी इनको जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? हु इज सी नयनतारा, और ये जवान में है। अब मैं इनका आंखों को ब्लिंक करवाऊंगा विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स। ठीक है, पहले ये मैं एक लेयर लिया, उसका एक डुप्लीकेट लेयर लेता हूँ, ये दूसरा लेयर। ठीक है, ये मैं दो लेयर ले लिया, पहला लेयर बंद रहेगा, दूसरा लेयर पे वर्क करूँगा। दूसरा लेयर पे मैं यहाँ देखिए स्मर्ज टूल्स के मदद से मैं इनके आँखों को थोड़ा बंद करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट से थोड़ा इसका। ओके, अब ये देखिए एनिमेशन आ रहा है, मैंने एक पिक्चर को बंद करा चालू करा बंद करा चालू करा, इसलिए एनिमेशन आ रहा है। अब मैं सिंपली ये दो लेयर को लेके और एक और थोड़ा एक और बना लेता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा फेस पे मैंने डेकोरेशन देने का काम किया, ये पहला पिक्चर, ये दूसरा पिक्चर, ये तीसरा पिक्चर। ठीक है, ये पहला को बंद करेंगे तो ये दिख रहा है, इसको बंद करेंगे तो ये, इसको ओपन करेंगे तो ये दिख रहा है। अब इन तीनों पिक्चर को मैं लेके चलता हूँ कहाँ, यहाँ से हम लोग जाएंगे इमेज रेडी में। ठीक है, इमेज रेडी में बताया था एनिमेशन बनाने का काम करता है ये फोटोशॉप में। मैंने तीन लेयर बना दिया, तीन लेयर को मैंने इमेज रेडी में ओपन कर दिया। ओके, इमेज रेडी को ओपन करने के बाद हमें दो काम करना था, F7 और F11। पहले ओपन तो होने दीजिए, बहुत मज़ा आएगा हमारा। ये देखिए लेयर बॉक्स ओपन हो गया, ये टूल बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, बस यही काम करना था हमें F7 F11 से। ये पहला पिक्चर है, ये दूसरा पिक्चर है, उसके बाद ये तीसरा पिक्चर है। अब इस पहले पिक्चर को 0 सेकेंड, इसको मैं रख दूंगा 1 सेकेंड, इसको मैं 1 सेकेंड के लिए रखता हूँ, इसको मैं 2 सेकेंड के लिए रखता हूँ। देन अब मैं प्ले करता हूँ, पिक्चर को बढ़िया देखिए, पहले आँख मारी फिर मुँह उठा दी, मतलब सॉरी नॉट डबल मीनिंग, पहले आईज ब्लिंक कर रहा है फिर लिप्स अप हो रहा है। थिंक पिक्चर को देखिए, इस टाइप से एनिमेशन बनाना है। ये GIF के फॉर्मेट में बन चुका है। अब इसको सेव करने के लिए सिंपली एस प्रेस करेंगे, इस टाइप से आप इसको प्ले करेंगे तो तीनों पिक्चर को रोटेशन में प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए देख रहे हैं, ये मैं जूम करके आपको सिर्फ फेस एक्सप्रेशन दिखाता हूँ। ओके, ये तो मैंने बस छोटा सा झलक दिखाया था एनिमेशन का। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि मैं बस टूल्स का यूजेस बताऊंगा, किस प्रकार से यूज़ करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैसे यूज़ करना है, ये आप करेंगे। मैंने बस बताया कि कैसे सारे अस्त्र और शस्त्र का यूज़ किया जाता है, अब इसका यूज़ करना कैसे है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैसे यूज़ करेंगे ये अपने दिमाग से लगाइए। वीडियो यूट्यूब से और कोई दूसरा दूसरा थॉट देखिए, वीडियो देखिए अच्छे अच्छे एनिमेशन का और ट्राई करें। और जो एनिमेशन नहीं होता है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे उस यूट्यूब चैनल का और अपने जहाँ को प्रॉब्लम हो रहा है उसका लिंक बताइए कि सर मैंने इस वीडियो से इस टाइप का एनिमेशन बनाना सीख रहा था बट नहीं बन रहा है,
तो मुझे हेल्प कर दीजिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डाउट तो आएगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी जब अपने प्रिपरेशन करता हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तो मुझे भी डाउट होता, तो मैं भी अपने सीनियर टीचर से पूछता हूँ। तो प्रैक्टिस करिएगा तो डाउट तो आएगा, जहाँ डाउट आएगा उसके लिए मैं बैठा हूँ। अब बस एक कमेंट, आपका एक कमेंट, मैं उस पर रिसर्च करूँगा, कंटेंट बनाऊँगा और अपलोड कर दूँगा। फिर भी अगर आपका डाउट सॉल्व ना हो, मैं पर्सनली आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस में लेके आपका डाउट को सॉल्व करूँगा। तो हमारा फोटोशॉप का सफ़र यहीं तक था। नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ टैली का कुछ लेक्चर बचा हुआ उसको कंप्लीट कराने के बाद सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस थोड़ा टेक्निकल है, तो जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वही कर पाएंगे। अगर ऐसे देखा जाए कि फ़ोटोशॉप कंप्लीट हो गया, फ़ोटोशॉप तो कंप्लीट है, एडीसी प्लस कंप्लीट हुआ कि नहीं सर? एडीसी प्लस फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो गया, बट सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस भी आपको पढ़ाया जाए तो आप कमेंट करें, मैं उस पर लेक्चर बनाऊंगा। पहले कोडिंग कंटेंट बनाना पड़ेगा, फिर आपको वीडियो प्रेजेंट करना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस भी कराऊंगा। अभी मुझे पता है कुछ दिन के बाद मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाले हैं और थोड़ा टाइम है, तो मैं पहले कंटेंट पे ध्यान दूंगा, जो टैली बचा हुआ टैली पे कंप्लीट कराऊंगा, देन मैं सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस करवाऊंगा। अगर फोटोशॉप में कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई परेशानी हो, आप कमेंट करिए, आपका एक कमेंट मैं उस पर रिसर्च करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस, ओके? मेरा काम है सिर्फ वीडियो को प्रोवाइड कराना नहीं, आपके डाउट को सॉल्व करना, आपके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना। और कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो ये बताइए, वो भी अगर मेरे से हो सकता है तो मैं करूँगा सॉल्व। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।